इतनी ज्यादा धुंध हो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्या करेगा आदमी इतनी। मैं तो कह रहा गाड़ी चलानी बड़ी टफ है, वो तो सुख रहे टू व्हीलर है दिख जाता है क्लियरली, फोर व्हीलर हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये अमरूद आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े हैं और मतलब ऑर्गेनिक बिल्कुल बहुत ही प्यारे। भैया ये कितने रुपए केजी है? 150 रुपए केजी है। और इतने अच्छे ऑर्गेनिक घर के हैं अपने कि बाहर से मंगाए आपने? यहीं का है तो बहुत ही अच्छे हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। और अभी मैं सिलाकोई रूट पे हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आम की जो है रेड़ी लगी है। तो ये हैं ये भैया है जिन्होंने ये लगवा रखे हैं है भैया, और ये हमारी वो हमारा। अच्छा एक आपका उधर है जूस, वो जूस काउंटर है। किस चीज़ का जूस है आपका? मौसमी पाइनएप्पल और पाइनएप्पल सिकंजी यहाँ का मशहूर है। तो किस प्राइस में देते हैं आप? मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस में, सस्ता 50 रुपए की राशन। अरे वाह। तो गाइस अगर आप सिलाकोई साइड आएंगे तो आप डाटकाली मंदिर से थोड़ा आगे निकले तो यहाँ पर भैया का जूस का भी काउंटर है और बहुत ही मशहूर है और सभी यहाँ पर रुकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए उस रेस्टोरेंट में जाके मैं बात कर रहा था, पर यहाँ से मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मतलब मैं बहुत ही हाइट में हूँ, 360 व्यू है मेरे पीछे, एक एम्प्टी बॉल है और अभी मैं रिजॉर्ट पे हूँ। यहाँ पर रिजॉर्ट और कैफे रेस्टोरेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ बैठ के। आप देख रहे फुल इंजॉय, तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए यहाँ पर और लुत्फ़ उठाइए प्रकृति का। सही लग रहा है बढ़िया। फाइनली मैं पहुंच गया हूं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मसूरी जाते वक्त रास्ते में एक कैफ़े पड़ता है जो कि मेरा फेवरेट कैफ़े है और यहां की जो है चाउमीन जो मैं हर टाइम मतलब मिस नहीं करता हूं, बिल्कुल डिलीशियस उसका स्वाद है। और अभी जस्ट मैंने खाया और आज मेरे साथ मतलब यहाँ के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ विजय सिंह राणा, मैं यहाँ लोकलाइट हूँ कैंपटी से ही और इस प्रॉपर्टी को मैं ही रन कर रहा हूँ इस टाइम पे। सो सर नाइस टू सी यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब कैंपटी फॉल के बाद जो फर्स्ट व्यू पड़ता है, मतलब जो फर्स्ट लोकेशन है और फर्स्ट कैफ़े पड़ता है रोड पे, वो सर का ही कैफ़े है। तो मैं यहाँ के बारे में आपसे ये जानना चाहूँगा कि समुद्री तल से इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि मैं यहाँ से व्यू देख पा रहा हूँ काफ़ी हाइट पे है, तो इसकी हाइट क्या है मिनिमम? ये मिनिमम आपका 5000 फीट पे होगा, ये 5000, ये जो ग्राउंड लेवल है हमारा सी लेवल है उससे 5000 के फीट पे। तो बाकी मैं देख पा रहा हूँ आपको मतलब रूफ भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो आप मतलब प्राइवेट पार्टीज भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रिजनेबल चार्जेस में हमारी जो है पार्टीज होती रहती हैं, काफ़ी
हमने पार्टीज़ की भी हैं, पर नाइट पार्टीज़ ज़्यादा होती हैं, दिन में थोड़ा कम पार्टीज़ होती हैं क्योंकि दिन में हमारे टाइम ज़्यादा चलता है। तो चार्जेस तो रिजनेबल चार्जेस? यस सर, हमारे रिजनेबल पार्टीज़ मतलब रिजनेबल चार्जेस रहते हैं और पार्टीज़ भी अच्छी होती हैं, बल्कि काफ़ी पार्टीज़ मैंने ऑर्गेनाइज भी की है। 31st हो गया है, अपना होली सेलिब्रेशन हो गया है, काफ़ी हमने पार्टीज़ करी हैं यहाँ पे। बाकी अगर गाइस आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जो है इंस्टाग्राम पे जाके इनको फॉलो जरूर कीजिए और वहाँ पर आप मैसेज में इनसे पूछ सकते हैं जो भी आपके इंक्वायरीज हो। बाकी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, मतलब कुछ आप एडिशनल बताइए यहाँ के बारे में जो मतलब और कैफ़े में और रेस्टोरेंट में ना हो। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे पास, जो सबसे अट्रैक्टिव जो यहाँ पे है वो है पीसफुल। जो पीस यहाँ पे बैठ के मिल सकता है पर्सन को, वो पीस शायद मुझे कहीं और जगह मिला, मुझे खुद नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादातर आता हूँ। और सबसे बढ़िया है कि सबसे पीसफुल भी है और हमारा 360 व्यूज़ है, हमारे अगल बगल कोई नहीं, पूरा ग्रीनरी है, अपना क्लाउड हमारे पास में है, सब कुछ है, पीसफुल है। यहाँ की मॉर्निंग्स कभी बैठो तो बहुत पीसफुल है। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो बैठते हैं काफ़ी देर तक, कोई दिक्कत नहीं रहती है, काफ़ी पीसफुल। सबसे बड़ी चीज़ जो है आजकल लोग ढूंढ ही रहे हैं, वही ढूंढ रहे हैं, सही बात है। और तो गाइस अभी एक्चुअली मैं जिस टाइम पे आया हुआ, आप देख सकते हो मेरे सराउंडिंग यहाँ पर बिल्कुल फॉग इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ की आपको जो है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ की खूबसूरती क्या है। लेकिन मैं सर से कुछ यहाँ की पिक्स वगैरह ऐसे मैं ले लूँगा आपसे, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में एडिट कर दूंगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ का 360 व्यू है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप ज़रूर उसको एक बार देखें और फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे जाके यहाँ का मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया अपना। बाकी आपके पास हम आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज आप वीडियोज़ में बने रहिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.